गाइस व्हाट्सअप। तो यार अभी हम नानी के घर से आ गए हैं, राखी वगैरह का जो भी था वो ख़त्म करके। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे विरासत ए खालसा जो श्री अनंतपुर साहिब में है। तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले मैंने सोचा। तो अभी यहाँ पे क्राउड तो इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो जगह है, जिसको नहीं पता है वो उसको मैं बता दूँ कि ये रोपड़ से आगे पड़ती है श्री अनंतपुर साहिब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो रहते थे, जिनका महल था वो। तो जिसको भी घूमने आना हो वो आ सकता है। तो अभी चलते हैं अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यार आप अंदर से इसका व्यू देख सकते हो। क्या क्या है अंदर, मतलब बताओ क्या क्या अंदर, मतलब क्या है एग्जैक्टली, कुछ थोड़ा सा तो बता दे। कल्चर है तो क्या टिकट्स का क्या है यहाँ पे? टिकट्स फ्री हैं। अच्छा फ्री है। बिकॉज़ ये कोई अम्यूजमेंट पार्क या फिर कोई घूमने वाली जगह नहीं है, इट्स एन एजुकेशन प्लेस फॉर सिख एंड एवरी पंजाबी। तो 10 लोगों के लिए एक पास फ्री होता है। ठीक है, उससे ज्यादा मेंबर के लिए फिर अलग पास। काफी अच्छा बना हुआ है ना, काफी अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। अभी अंदर जाके देखते हैं। एंट्री है यहाँ पे। यहाँ पे काफी अच्छा कैफेटेरिया इन्होंने बनाया हुआ है। अभी हम कैफेटेरिया में आए थे तो इन लोगों ने ऑर्डर करी है लस्सी, मैंने करी है कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मैं लस्सी पीता नहीं। तो अभी लस्सी वगैरह पी के चलते हैं ऊपर म्यूजियम में, आपको दिखाते हैं क्या है। तो यार जैसे हम अंदर एंटर हुए ना, तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। लुक एट दिस, क्या क्रिएटिविटी दिखाई हुई है यार। और ये जो सारा जितना भी बना हुआ ना, ये वुडन वर्क हुआ हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, लाइक ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स होंगे ऐसा। जो इन्होंने लाइटनिंग की हुई है, जो लाइट के इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब काबिले तारीफ है यार, बहुत अच्छा बनाया हुआ। लाइक पूरे पंजाब का जो कल्चर है वो दिखाया हुआ इन्होंने, जो पुराना पंजाब था। तो ऐसे मतलब एक एक चीज़ बहुत बारीकी से इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे। जो हमारी जो 5 रिवर्स हैं वो भी दिखाए हुए हैं, जितने डैम्स हैं वो भी दिखाए हुए हैं। ये जो लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग में इनमें ना कोट्स लिखे हुए थे, कुछ हम पढ़ नहीं पाया मैं। जैसे जैसे आप आगे निकलोगे तो हर बोर्ड पे आपको हिस्ट्री मिलेगी, आप पढ़ सकते हो, आपको ऑडियो बुक भी मिलेगी, आप सुन भी सकते हो। तो जैसे ये देखो, टाइम टाइम पे लाइट चेंज होती है इनकी, जो 3D इफ़ेक्ट्स आते हैं लाइट्स के, मतलब जैसी एनिमेशन चल रही है वैसे लाइट्स के इफ़ेक्ट्स। अगर रेन, मतलब रेन हो रही है, बारिश हो रही है तो बारिश का इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब बनाया हुआ है, वो देखिए सामने। और ये जो अब आगे देखोगे ना, तो यहाँ पे गोल्डन टेंपल की एनिमेशन बनाई हुई है इन्होंने, बहुत प्यारी एनिमेशन बनाई हुई है यार। तो अभी ये देखो जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स दिखाई हुई हैं। तो मैं तो बोलता हूँ यार, एक बार एटलीस्ट विज़िट करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है,
अब देखो यहाँ पे जो गुरु सिख हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी जब मतलब लड़ाई करने गए थे, तो ये तब की मतलब तब का व्यू है सारा सारा, इन्होंने हिस्ट्री पूरी दिखाई हुई है। हे गाइस व्हाट्स अप। तो यार अभी हम पहुंच चुके थे घर, तो अभी खाना वगैरह खाया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आई होप आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग का। बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।